नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हर फसल के लिए इंडिया ग्रो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करें। एमआई लाइफस्टाइल कंपनी के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं इंडिया ग्रो के, उन प्रोडक्ट्स को हम किसानों तक किस तरीके से पहुंचाएं कि हर फसल में जो पौधे का जो स्टेज होता है, बीज लगने से लेकर तो फल या फूल लगने तक के, हम किस तरीके से अपने इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो उनके लिए भी यूजफुल होंगी जो इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, सेल आउट करते हैं, और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा कि जब वो अपने क्रॉप्स पर, अपने फसल में जो स्टेजेस होती है उसके हिसाब से इस प्रोडक्ट को किस तरीके से वो प्रयोग कर सके और कैसे अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे, इसके बारे में भी यहाँ जानकारी मिलेगी। तो फसलें जो होती है, कहीं भी जो उपज होती है, जो प्रोडक्शन होता है किसानी में, खेती में, तो रूट्स के तौर पर होता है, जैसे कि बीटरूट, कैरेट वगैरह। उसके बाद में स्टीम यानी तना, जैसे कि हमारा गन्ने का जो फसल होता है वो स्टीम है। लीफ यानी पत्ते की हरी सब्जी और पत्तियां जो होती है, जैसे कि कड़ी पत्ता वगैरह हो गया, या कोई भी जो पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं वो होता है हमारा पत्तों का सब्जियाँ। उसके बाद में फ्लावर्स यानी फूलों की खेती होती है। उसके बाद रहता है फ्रूट्स, जो कि फ्रूट का खेती होता है, और ग्रेन्स यानी बीज, जो दालें होती हैं, ये सारी ग्रेन्स में आती हैं। तो ये बहुत सारी फसलें जो इस तरीके से हम ले रहे हैं, तो रूट से लेकर तो फल तक, ग्रेन्स तक के हम खेती से प्रोडक्शन लेते हैं और यूजफुल चीज़ें हम उनका उपज करते हैं। तो इन सभी प्रोडक्शन के समय जो खेती हम करते हैं, उस खेती में किस तरीके से इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, कौन से स्टेज पर, किस तरीके से, कहाँ, कैसे और कब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेज आता है हमारे खेती का, बुआई का, मतलब कि सीडिंग। हम अपने ज़मीन में, मिट्टी में जो हमारा फसल का जो बीज है, किसी भी प्रकार का जो आप उत्पादन कर रहे हैं, उसका जो बीज है हम बुआई करते हैं हमारी मिट्टी में। ये हमारा पहला स्टेज होता है। तो हमारे को इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मिट्टी और पानी की अनुकूलता देखना चाहिए कि आपका मिट्टी फर्टाइल है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो रासायनिक चीज़ें, जो केमिकल की चीज़ें हम इस्तेमाल करते, खाद या फर्टिलाइज़र, उससे हमारे ज़मीन का जो लेवल है, उसका जो उपजाऊपन है, ये सही नहीं रहता। तो इसके लिए मिट्टी और पानी की अनुकूलता, ज़मीन के कीड़े और फंगस से हमारे बीज को हम कैसे बचाएं, ये हमारे आगे चैलेंजेस होते हैं। तो इन चैलेंजेस को निपटने के लिए हमें भूवस्त्र सुपर, ये पहला प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना है। हम इसमें जब आप बुआई करें, बीज डालें, उसके साथ में आप भूवस्त्र जरूर डालिए। ज़मीन उपजाऊ बनाएगा, बीज को ज़मीन के कीड़ों से बचाएगा, जड़ों को हेल्थी एंड मजबूत बनाएगा, ज़मीन में नमी बनाए रखने में आपको मदद करेगा। और जो केंचुए होते हैं, जो हमारे खेती के लिए यूजफुल होते हैं, उन केंचुओं के लिए ये नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट है एमआई प्राउड, ये फंगस पर काम करता है। क्योंकि जब नमी आती है, जिस समय हम सीडिंग करते हैं, बुआई करते हैं, उस समय नमी के कारण हमारा जो बीज है वो सड़ जाता है। जिसका हार्ड कवर है, जैसा कि धान है या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके कवर हार्ड होते, उनको फंगस ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन जिनके सॉफ्ट कवर होते हैं बीज के, जैसे कि गेहूँ है या कोई दाल है या किसी प्रकार के जो है चीज़ें जिनके सॉफ्ट कवर होते हैं, जैसे कि सेंग दाना है, इन सब चीज़ों को जल्दी फंगस ख़राब कर लेती है, उनको सड़ा देती है। तो इसलिए जितने हम बीज डालते हैं उतने बाहर उनके पौधे नहीं निकल आते, वो सड़ जाते हैं। तो इसके लिए एमआई प्राउड इस्तेमाल करना है, जो फंगस पर काम करेगा, हर प्रकार के फंगस, फफूंद, बुरसी से पौधों को बचाएगा। पौधों के पत्ते, जड़े, तना और शाखाओं को सड़ने गलने से भी ये बचाता है। बारिश के दिनों में नमी के कारण हर खेती में फंगस आती है, अंदरूनी एवं बाहरी दोनों ही फंगस के लिए ये कारगर है। तो ये एमआई प्राउड का हम घोल बना के अपने बीजों पर उसका ट्रीटमेंट करके उसके बाद में हम इसको सीडिंग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। उसके बाद है मॉडिफाई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हर कोई नज़रअंदाज करता है जब सीडिंग करते हैं। तो ज़मीन का पीएच लेवल जो है हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि खेती में ज़्यादातर अभी जो रासायनिक फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं,
इन सब के वजह से ज़मीन खारी हो जाती है और वो इनफर्टाइल हो जाती है, यानी कि उसमें सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं निकलता, हमारे बीज पर वो सही प्रक्रिया नहीं करती, ज़मीन उसमें जो इम्पोर्टेंट तत्व है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ज़मीन का पीएच लेवल सही बनाए रखना चाहिए। पीएच लेवल का मतलब होता है कि खारापन और अल्काइन या एसिडिक, ये दोनों में का जो उसका जो प्रमाण है, उसका जो लेवल है, उसका जो रेशो है वो सही होना चाहिए। पानी का खारापन कम करने में सहायक है। जैसा अगर समझ लो कोई सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं और अगर वो खारा है तो हमारे खेती के लिए वो नुकसानदायक होता है। तो खारेपन का जो पानी है उसमें भी अगर आप मॉडिफाई इस्तेमाल करते हैं तो आप सही तरीके से पानी का खारापन भी कम कर सकते हैं। रासायनिक खाद एंड दवाई के नापिक हुए ज़मीन और पानी को फर्टाइल बनाता है। एसिड एंड अल्कलाइन सॉइल एंड वाटर विल बॉइल बैलेंस, उसका जो बैलेंस जो है मॉडिफाई करता है। तो ये भी बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट आपने शुरुआत में बुआई के समय इसको इस्तेमाल करना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेज जो आता है हमारे खेती का, स्प्राउटिंग का, उसके बाद बुआई होने के एक 4 दिन 5 दिन या 6 दिन के बाद में, हफ्ते भर के बाद में एक छोटे छोटे नन्हे पौधे निकल आते हैं, उनका अंकुरण होता है। तो इस स्टेज में हमें ये चाहिए कि इन पौधों का इम्यूनिटी जो है वो सही रहना चाहिए। उसके बाद में उन्हें कुतरने वाले कीड़ों से, फंगस से, ये सब चीज़ों से बचाने के लिए भी हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए। तो ग्रो मैजिक एडवांस उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनका ग्रो जो है सही करने के लिए ये एक प्रोडक्ट है। पौधे का संपूर्ण ग्रोथ करेगा, जड़ें, तना, शाखाएं, पत्ते, इन सब चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करेगा फूलों का। और ये आगे भी हमें काम में आता है, इसलिए आगे का स्टेप ये है कि फूलों का झड़ना भी कम करेगा जब आगे हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अंकुरण के समय इस ग्रो मैजिक को जरूर इस्तेमाल करें ताकि पौधा जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करें और उसका जो डेवलपमेंट हो सही हो। उसके बाद एम आई स्प्रे प्लस तो हर जगह इस्तेमाल करना है हमको, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट है इनका असर बढ़ाने का काम करता है। ये खाद और कीटनाशक का असर बढ़ाता है, पौधों पर दवा को चिपकाता है, फैलाता है, गहराई तक पहुंचाता है और पॉलिनेशन भी करता है, क्योंकि खेती में पॉलिनेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो मधुमक्खियाँ जो आती हैं जो पॉलिनेशन करती है उससे फूल ज़्यादा लगते हैं, और उस फूल अगर ज़्यादा लगेंगे तो फल भी ज़्यादा लगते हैं। खाद और कीटनाशक में रिएक्टर के तौर पर काम करता है। किसी भी खाद और रिएक्टर कीटनाशक में अगर हम डालते हैं किसी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि केमिकल की कोई चीज़ है जो इस्तेमाल कर रहे कोई व्यक्ति, और उसमें भी अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी असर बढ़ा देता है। एमआई वीर के बारे में बात करेंगे कि ऑर्गेनिक पत्ते, फूल एंड फल को ध्वस्त करने वाले जो भी कीड़े जो रहते हैं, तो एमआई वीर का काम ये है कि आपके जो कीड़े आते हैं, जैसा अंकुरण हुआ तो बहुत ही कौला पौधा होता है, बहुत ही नन्हे पौधे होते हैं, तो उन कौले से पौधे को चबाने और काटने वाले कीड़े जो है वो आकर के बाइट करना चालू कर देते हैं। उसका शुरू होते ही उसका जो लाइफ है पौधे का वो ख़त्म कर देते हैं, और अगर पहले से ही शुरुआत से ही कुतरना चालू कर दिए उनको, अगर काटना चालू कर दिए तो पौधा आगे बढ़ता नहीं, वहीं पर वो ख़त्म हो जाता है। तो एमआई वीर का भी इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं, चबाने, काटने, छेदने या रस चूसने वाले कीड़ों के रोकथाम के लिए ये है। लार्वा हो गया, एफिड्स हो गया, जैसिड्स हो गया, थ्रिप्स, माइट्स एंड वाइट फ्लाई, इन सब इंसेक्ट्स का एक ही उपाय है एमआई वीर। तो इस वक्त हमको ग्रो मैजिक एडवांस, एमआई स्प्रे प्लस, एमआई वीर, ये तीन प्रोडक्ट हमें स्प्राउटिंग के समय जब अंकुरण होता है उस समय इस्तेमाल करना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ये बहुत ही यूजफुल आपके लिए रहेगी, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। फुल ग्रोथ यानी कि पौधे का जो प्रौढ़ावस्था है, जब अच्छे खासे पत्ते आ जाते हैं और उसके बाद में पौधा बढ़ने लगता है, तो फूलों का जो स्टेज होता है उसके पहले की जस्ट पहले तक के जो ग्रोथ है वो उसका फुल ग्रोथ कहलाता है। तो इस अवस्था में कीड़ों या फंगस का प्रभाव ख़त्म करना है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं आपके खेती में जो कीड़ों का प्रभाव होता है, फंगस है, वायरस है, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए एमआई वीर, इसके बारे में हम बात कर चुके पिछले स्लाइड में, एमआई स्प्रे प्लस, इसके बारे में बात कर चुके कि क्या करता है, एमआई प्राउड, ये तीनों चीज़ें आप इस अवस्था में अगर आपके पौधों पर, आपके पत्तों पर ये दिखाई देते हैं फूल, तो उस समय इन तीन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपका जो प्रौढ़ पौधा है उसका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और आगे फूल और फल बहुत अच्छे देगा। अब आता है हमारा स्टेज फ्लावरिंग का।
फ्लावरिंग के समय भी हमें खास ध्यान रखना है कि कुछ हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे पौधों पर बहुत अच्छे फूल लगे, हेल्थी फूल लगे और झड़े नहीं, कम झड़े, और उसके बाद उस पौधे पर फल भी ज़्यादा लगे। तो जिस तरीके का भी खेती हो, लेकिन फूल का जो टाइम आता है, फ्लावरिंग का टाइम आता है, उस समय ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने चाहिए। ग्रो मैजिक एडवांस MI स्प्रे प्लस, ये दो प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो बहुत ही ज़रूरी है। इसकी वजह से आपके पौधे का जो ग्रो है वो भी सही होता रहेगा, उसके बाद में जो फूल है वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी के लगेंगे, उसके बाद वो झड़ेंगे नहीं और फल बहुत ज़्यादा आएंगे। तो परिणाम ये होगा कि आपका जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छा ग्रो होगा। जैसे कि 30% या 20% या 30% तो इसका प्रोडक्शन बढ़ ही जाएगा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। नेक्स्ट स्टेज है फ्रूटिंग का, उसके बाद फल लगने लगते, फूल लगने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है हमारा फल लगते हैं, जितने फूल टिके रहेंगे हमारे पेड़ों पर उन्हीं को, उन्हीं का जो रूपांतरण होता है, कन्वर्जन होता है, वो फलों में होता है। तो पेड़ जितने फल लगेंगे पेड़ों में तो उनका क्वालिटी क्वांटिटी सही रहने के लिए, फलों का वेट सही रहने के लिए, उनका कलर सही रहना चाहिए, खुशबू बहुत अच्छी आनी चाहिए फलों से, और स्वाद भी उनका उत्तम रहना चाहिए खाने के बाद। तो ये सब बनाए रखने का काम जो है फ्रूटिंग के समय जो हम दो चीज़ इस्तेमाल करेंगे, ग्रो मैजिक एडवांस MI स्प्रे प्लस। तो इस समय अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो 20% से 30% प्रोडक्शन बढ़ने की गारंटी है, इतना अच्छा रिजल्ट्स इन प्रोडक्ट्स का है। तो ये सारी जानकारी इसमें मैंने दी है। तो अब ये स्टेजेस हो गई कि हमारा प्लांट जो है किस तरीके से बुआई के समय से, मतलब कि जैसे हम बीज डालते हैं अपने ज़मीन में, उस समय से लेकर तो फ्रूटिंग तक यानी कि फल देने तक के ये चार स्टेजों में इन चीज़ों को मैंने डिवाइड किया है। तो अब असली चैलेंज हमारे पास में ये होगा कि फंगस, वायरस एंड कीड़ों का प्रभाव कैसे पहचाने, कि कौन सी समय कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है, ये हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जो फंगस होता है, ये वायरस या है या फिर कीड़ों का कोई बाइट है, इसको हम कैसे समझ में आएगा। तो एक ओवरऑल जनरली आप देख कर इसको पहचान सकते हैं। और सारे फंगस के लिए हमारा जो MI प्राउड है, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। फंगस का कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार के फंगस हो, उसके लिए एक ही प्रोडक्ट हमारा कारगर है और सही तरीके से रिजल्ट्स देता है हर फंगस के प्रॉब्लम पर। तो आगे बात करेंगे हम, फंगस का प्रभाव देखेंगे सबसे पहले कि फंगस कैसे होता है। कुछ इसमें जो पिक्चर देख रहे हैं आप में, तो पत्तों का कलर जो चेंज हुआ है, तो इसके कुछ खास सिम्टम होते हैं जिनको आप देखकर समझ जाएंगे कि पत्तों का रंग बदलता है। जैसे कोई फंगस आपके पौधे पर, पत्तों पर आती है और वो अपना वर्क चालू करती है, प्रॉब्लम शुरू करती है, उसका अटैक होता है, तो पत्तों का रंग धीरे 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 बदलने लगता है। हल्की लेयर से आती है, अगर आप हाथ से छुएंगे उन पत्तों को तो वहाँ पर आपको एक लेयर सी आएगी और वहाँ से कुछ मतलब डस्ट जैसा, सफ़ेद जैसा कुछ ऐसा हाथ को आपको लगा है, ये भी आपको समझ में आएगा। और पत्ते सुकड़ के बेजान होने लगते हैं धीरे धीरे, जब वो उनका कलर चेंज होता है तो उनका जो न्यूट्रिशन है वो बंद हो जाता है और पत्ते जो है सुकड़ करके बेजान होके वो गिर जाते हैं। फंगस वाले प्रॉब्लम में छेद या कुतरे हुए नहीं दिखते, छेद या कोई कुतरा हुआ मतलब जैसा टूटा हुआ पत्ता नहीं दिखता आपको, सिर्फ कलर चेंज होके वो कुछ दिनों बाद में बेजान होके गिर जाता है। नेक्स्ट है हमारा वायरस का प्रभाव। वायरस से क्या होता है कि पत्तों का रंग बदलता है, ये तो फंगस में भी हुआ था, और सतह पर दाने से उभरते हैं, मतलब अगर पत्ते को आप छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ दाने से उभरे हैं उसमें, यानी उसका जो लेयर है या चिकनापन है वो ख़राब हो गया है और खुरदुरा सा पत्ता हो गया है, ये आपको समझ में आएगा। पत्ते आड़े टेढ़े मुड़ते हैं, पत्तों के साथ तनों को भी वायरस ध्वस्त कर देता है। वायरस इतना डेंजर होता है कि पत्तों को तो वो ध्वस्त करता ही है, उसके बाद में अपने जो तना होता है उस तक भी उसका असर हमको देखने मिलता है और पूरा का पूरा पेड़ वन टाइम में सूख सकता है। नेक्स्ट है कीड़ों का प्रभाव। तो कीड़ों का प्रभाव तो देखते ही समझ में आ जाता है कि कीड़े का बाइट है। तो पत्तों में छेद कुतरे हुए दिखेंगे आपको इस स्लाइड में जो आप इसमें देख रहे हैं इन पिक्चर्स में, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बाइट्स क्यों है, मतलब काटा हुआ है कहीं कहीं से, लेकिन पत्ते का रंग वैसा ही है, ये खास चीज़ है। पत्ता जो है वैसा ही हरा दिख रहा है लेकिन उसको कट किया हुआ है, कहीं से छेद है, कहीं से कुतरा हुआ है। तो ये रस चूसने वाले कीड़े होते हैं या पत्तों को काटने वाले कीड़े होते हैं, ये सब जो है पूरे पेड़ को बेजान कर देते हैं। जब पत्ते ही नहीं रहेंगे तो बाकी जो पेड़ का जो इम्यूनिटी है वो क्लियर नहीं रहेगा और वो पेड़ जो है आगे सर्वाइव नहीं कर पाता, वो मर जाता है।
तो ये जो काटने चूसने वाले जो कीड़े होते हैं, रस चूसने वाले, ये तनों से भी रस चूसा करते हैं, तो नीचे से भी ये वर्क करते हैं। तो इनका जो प्रॉब्लम है पूरे पेड़ पर, जैसा समझ में आता है कि ऊपर से तो पेड़ ठीक दिख रहा है, लेकिन नीचे से तने में से कहीं अगर रस चूसा गया है तो वो पेड़ भी मर जाता है। तो ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की है कि इंडिया ग्रो का बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। आप सब इनका खेती में, जो किसान भाई हैं उनके लिए आप ज़रूर प्रोवाइड कराइए। एक विष मुक्त खेती हमको मिल सकती है और जो प्रोडक्शन करता है उसका भी इसमें लाभ है, और जिन जिन लोगों तक तो ये प्रोडक्शन पहुंचता है, जो इनके यूजर्स होते हैं खेती के प्रोडक्ट के, तो वो भी किसी जहर से बचेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन है इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इस वीडियो में जो जानकारी दी है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसी तरीके के वीडियो इस मेरे चैनल पर आते रहते हैं। ये माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रोडक्ट हैं या और भी कुछ प्लान पे आउट, इसके बारे में सारी जानकारी मैं यहाँ प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को फॉरवर्ड करने से, शेयर करने से उनका नॉलेज में इजाफा होगा, उनके लिए यूजफुल होगा, तो आप ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।